नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी। तो ये मैंने बनाया है मैंगो कुल्फ़ी। यहाँ पे मैंने मैंगो के अंदर स्टफ़ किया है कुल्फ़ी को। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं मैंगो कुल्फ़ी। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के अच्छे से पके हुए आम को लिया है, तीन लिया है, लेकिन एट दी एंड मैंने सिर्फ दो ही बनाया क्योंकि एक आम जो था वो ख़राब था। तो ये देखिए, ये छिलका आप देख रहे हैं एकदम ब्लैक ब्लैक है। तो सबसे पहले हम जिस स्क्रब से हम बर्तन मांजते हैं ना, वही स्क्रब यूज़ करके हम आम को अच्छे से घिस के धो लेंगे। तो ये देखिए, धोने के बाद जो है काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है आम हमारा। अब हम इसे एक पतीले में थोड़ा पानी लेंगे और उसमें सोक करने के लिए डाल देंगे। तो कम से कम आधा घंटा या एक घंटा आप सोक करें। तो यहाँ पे मैंने सोक कर लिया है आम को और अब हम चलेंगे कुल्फ़ी बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चॉप नट्स लिया है, दो टेबलस्पून लिया है बारीक कटा हुआ आलमंड्स, ये एक टेबलस्पून के करीब लिया है कैश्यूज, और दो टेबलस्पून लिया है पिस्ताशियोस यानी कि पिस्ता, और ये थोड़ा सा इलायची लिया है जिसे मैं पीस लूँगी चीनी के साथ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मेजरिंग कप लिया है, 250 ml का है ये मेजरिंग कप। तो इसमें मैं दो बार माप के ले लूँगी दूध को। मैंने यहाँ पे शुद्ध काऊ मिल्क लिया है, फुल फैट मिल्क लिया है, मैंने स्किम मिल्क नहीं लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं दो कप दूध डाल दूँगी। कढ़ाई जो है अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे दो कप दूध, और एक कप का मेजरमेंट है 250 ml, यानी कि टोटल मैंने लिया है 500 ml दूध। अब इस दूध को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसे गाढ़ा कर लेंगे, या फिर आप तब तक पकाएं जब तक ये दूध जो है एकदम आधा नहीं हो जाता। बहुत ही अच्छे से गाढ़ा और मलाईदार हमें प्रिपेयर करना है इस दूध को, एकदम मलाईदार होना चाहिए जैसे कि रबड़ी बनाते हैं, एकदम बिल्कुल वैसे ही हमें प्रिपेयर कर लेना है। तो चलिए दूध को हम रिड्यूस कर लेते हैं। दूध जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है पाउडर्ड शुगर यानी कि बूरा डाला है यहाँ पे। तो चीनी पीसते वक्त मैंने साथ में डाल दिया था इलायची। मैंने तीन इलायची लिया है, आप भी दो से तीन ले सकते हैं, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो इसकी जगह आप सैफ्रन भी यूज़ कर सकते हैं यानी कि केसर। मेरे पास केसर नहीं था तो मैंने इलायची का फ्लेवर चूज़ किया है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने दो चम्मच चीनी यूज़ किया है, दो टेबलस्पून। तो मीठा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। जो आम मैंने लिया है वो भी काफ़ी हद तक मीठा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ दो चम्मच चीनी डाला है, और इसे हम एक बार अच्छे से उबाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी क्रीमी हो गया है हमारा दूध का मिक्सचर। उसे फिर से थोड़ा और पका लेंगे, थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेंगे। तो अब जो है मैं यहाँ पे नट्स मिला रही हूँ, काजू, पिस्ता और बादाम। आप अगर कोई और नट्स डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये तीनों जो है बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ये देखिए, मैंने सारे नट्स को मिला लिए। अब एक बार हम फिर से थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे दूध को।
कुल्फ़ी तैयार है, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। आम में स्टफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा गूंद लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के आटा को गूंद लिया है। नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस ऐसे ही आटा को गूंद लिया और इस तरह से रोल करके रख लिया है ताकि मुझे आसानी हो आम में स्टफ़ करके सील करने के लिए। तो चलिए आम को काट लेंगे और इसका जो गुठली है इसे अंदर से हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आम को तैयार कर लिया है, गुठली जो है अच्छे से निकाल लिया है। तो अब हम इसके अंदर में कुल्फ़ी को भर लेंगे। कुल्फ़ी जो है अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसे स्टफ़ कर लेंगे अच्छे से और फिर हम इसे सील कर लेंगे आटा इस्तेमाल करके। फ्रीज़र में रखेंगे 7 से 8 घंटे तक, जब तक ये कुल्फ़ी जो है अच्छे से जम नहीं जाता, और फिर इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टफ़ कर रही हूँ आम के अंदर कुल्फ़ी को। आम को अच्छे तरह से फिल कर लिया है कुल्फ़ी से और इसे सील करके हम रख देंगे फ्रीज़र में। तो ये देखिए सील करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे आम। इसे मैंने छोटे से कप्स में रख दिया है ताकि आम जो है सीधा रहे, और ये टेढ़ा हो गया तो हो सकता है कुल्फ़ी निकल जाए। तो ये देखिए मैंने इसे इस तरह से सीधा रखा है आम को इस कप की मदद से, और इसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है दोस्तों, आप देख सकते हैं आम का जो कुल्फ़ी है बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम काट के देख लेते हैं। तो चलिए काट लेते हैं इसे। काटने में बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों। तो इसे आप छिलके के साथ भी खा सकते हैं या फिर छिलका निकाल कर भी खा सकते हैं। आम को हमने अच्छे से धोया था तो छिलका खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, आप चाहे तो सील निकाल सकते हैं और फिर आप इसके टुकड़े कर सकते हैं, राउंड राउंड भी काट सकते हैं या क्यूब्स में भी काट सकते हैं। यहाँ पे मैंने राउंड राउंड काटा है, तो ये मैं सील निकाल रही थी उसका इस तरह से, और फिर हम इसे गोल गोल काट लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंगो स्टफ्ड कुल्फ़ी या फिर मैंगो कुल्फ़ी का क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं। जितना सुंदर ये देखने में है उतना ही ये टेस्टी भी था। ऐसा नहीं कि चीनी कम हो गया या कुछ, बहुत ही यम्मी और टेस्टी था। कारण ये भी हो सकता है कि मैंने शुद्ध गाय का दूध लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं गोल गोल से काट रही हूँ यहाँ पर और सबको सर्व कर रही थी। सबको बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही यमी एंड डिलीशियस था ये कुल्फ़ी। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यदि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। Till then, bye and take care. Thank you for watching.